पिछले महीने ही आरक्षण को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा खत्म हो जाएगा, किसी ने कहा कुछ बदलाव होगा, और फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर फैसला सुना दिया। क्या हुआ नहीं समझ आया? चलिए कोई नहीं, हम आपको पूरी तफसील से समझाते हैं क्या है पूरा मामला। एससी ने क्या कहा था? एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एससी और एसटी की सभी जातियां और जनजातियां एक ही वर्ग की नहीं है। कुछ जातियां ज्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। इन पिछड़ी जातियों के लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें एससी एसटी रिजर्वेशन को कैटेगराइज कर अलग से कोटा तय कर सकती हैं, जैसे ओबीसी रिजर्वेशन में होता है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तय करने के फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जरूरी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकारें मनमाने तरीके से ये फैसला नहीं ले सकती, इसमें दो शर्तें भी लागू होंगी। क्या हैं दो शर्तें? एससी में किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है, और एससी में शामिल किसी भी जाति का कोटा तय करने से पहले उसके हिस्से का पुख्ता डेटा होना चाहिए। उधर भारत बंद के दौरान पुलिस भी सुरक्षा को लेकर पूरी मुस्तैद है। देखिए, यहाँ पे जो ये कॉल है उसके मद्देनजर हम लोगों ने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ड्यूटी लगाई है। हालांकि ज्ञापन का कार्यक्रम है और ये अम्बेडकर पार्क है, यहीं पर ये लोग इकट्ठा होकर यहाँ ज्ञापन देंगे, और यहाँ से लेकर के कलेक्ट्रेट और आसपास के पूरे एरियाज में हम लोगों ने व्यवस्था की है। और जो भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिए भी हम लोगों ने, ट्रैफिक स्मूथ फ्लो रहे उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। बाकी सभी प्रतिष्ठान वगैरह सभी चल रहे हैं, सभी कार्यालय खुले हुए हैं, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो इनका ज्ञापन का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। भारत बंद करने वालों की क्या है मांगे? भारत बंद का आह्वान करने वाले दलित संगठन सुप्रीम कोर्ट से कोटा इन कोटा के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए फैसले से सहमत नहीं है और क्रीमी लेयर रिजर्वेशन व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज करती है। क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद? भारत बंद को लेकर अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिशा निर्देश जारी नहीं किए। पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं। हालांकि भारत बंद का पूरे देश में असर दिख रहा है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारत बंद का असर दिखा। उधर बिहार और झारखंड में भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ जगहों पर निजी कार्यालय बंद हो चुके हैं। अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं तो चालू रहेंगी, साथ ही बैंक और सरकारी दफ्तरों को बंद रखने के बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।